वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निम्बी नारायण जी की, जो कि एक इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर है। फ्रेंड्स, इनके ऊपर एक रिसेंटली एक मूवी बनी है, जो कि बहुत ही आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप मूवी देखते हैं तो, अगर नहीं देखते हैं तो भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग मूवी फॉर अवर नेशन। तो अपन इसमें थोड़ी निम्बी नारायण जी की बात करेंगे, बिकॉज आई लाइक दिस मैन वेरी मच। दिस मैन ग्रेट पर्सनैलिटी। निम्बी नारायण जी 12 दिसंबर 1941 को इंडिया के अंदर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। एजुकेशन इन्होंने इंजीनियरिंग की थी बीटेक के अंदर, और हाल ही फिलहाल ये एरोस्पेस इंजीनियर है। अवार्ड्स मिला है इनको पद्म भूषण दो, जो कि 2019 के अंदर मिला गया दिया गया इनको। और बात करते हैं अब अपन रॉकेटरी द निम्बी नारायण मूवी की। तो ये मूवी डायरेक्टेड की गई है आर माधवन के द्वारा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, ये आपकी लाइफ चेंजिंग मूवी भी हो सकती है। अब अपन थोड़ी एस निम्बी नारायण जी के बारे में बात करेंगे। ये एक इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर है, और इन्होंने काम किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो के अंदर। और फ्रेंड्स, बता दूँ कि इन्होंने नासा के अंदर एक मिलियंस का जो इन्होंने सैलरी है वो उसको ठुकरा के इंडिया के अंदर इन्होंने काम किया, और जिसके बदले में इनको फलस्वरूप क्या मिला, बदनामी। इसके अंदर आपको, अगर आप मूवी देखेंगे तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो क्रायोजेनिक इंजन जो फ्रांस से लिए थे हमने, जो कि डील में मतलब कोई दिक्कत हो गई थी, लेकिन जो फ्रांस से लिए थे, जो कि हमारे पास है नहीं, हमने वो इन्फॉर्मेशन भी पाकिस्तान को बेचना, ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया निम्बी नारायण जी के ऊपर। लेकिन ये आरोप कम्प्लीटली फॉल्स था, और CBI की जो रिपोर्ट है उसने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब निम्बी नारायण जी एक बिल्कुल फ्री नागरिक है, फ्री सिटीजन, मतलब एरोस्पेस इंजीनियर इनके अंदर सबसे आगे हैं, और अपन सबसे कम एक्सपेंडिचर के ऊपर मार्स पर चले जा सकते हैं। और अपन आगे बात करते हैं कि इनके करियर की बात करते हैं। निम्बी नारायण जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1966 में, और रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पे इनका मेन वर्क, इनकी बुक्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी बंदे को सही से जानना है या पहचानना है तो आपको उसकी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एन ऑटोबायोग्राफी बाय निम्बी नारायण, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। और जो दूसरी बुक है उसका नाम है रेडी टू फायर हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो, ये भी निम्बी नारायण जी की बुक है, और ये 2018 के अंदर पब्लिश हुई थी। अब अपन मूवी की बात करते हैं। इन अक्टूबर 2022 ए बायोग्राफिकल फिल्म टाइटल्ड बाय, जिसका टाइटल था रॉकेटरी द निम्बी इफेक्ट, रिटन डायरेक्टेड बाय आर माधवन। ये मूवी आपको फ्रेंड्स ज़रूर देखनी चाहिए, और जो रिलीज़ हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमेजिंग मूवी, और इफ़ यू आर ए मूवी लवर देन यू शुड वॉच दिस मूवी। And friends, by heart, we need this type of people in our country. Thank you. If you like our video, then share and subscribe also.